कुंजी बिहारी भगवान श्री कृष्ण की, प्राण पुष्प श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री श्री राधा मधुर भगवान की, पतित पावन निताई गौरंग महाप्रभु की, नित्य लीला प्रवेश अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावास राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों राधे राधे जपत ही बाधा मिट जा, तीनों लोक के आपदा राधा नामत जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गोपी जन वल्लभा, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी यशोदा नंदन,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Thank you.
हरे कृष्ण श्री वृंदावन बिहारी लाल की जाते श्रीमद भागवत तो मुझे हरि नाम मुझे उते साके मुस्कुराहट नहीं करे जे मुख सा हुन अतीत पावन भगवान जे नाम के पंहिंजे मुख सा जरूर जपण जो जे हरि कृष्ण राधे राधे
भागवत कथा में प्रवेश करने का पहली गुरु आई गौरंग का कृपा जी याचना करने मंगल चरण करना सो ताकि असा जेकी कुछ बुद्धण वारा आयो उन जो असा के पूरो पूरो लाभ प्राप्त थी सके जेको आहे कृष्ण प्रेम सी प्राप्ति हथ जोड़ो नेत्र बंद करो भगवान सा प्रार्थना करने मंगल आचरण करो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama.
ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम जी प्रारंभ करे वेद व्यास जी बुधाइन था कि एक दफे सभी ऋषि मुनियन सोचो कि हाणे तो कलयुग प्रारंभ थी वयो आहे अनि छाकाणि त कलयुग प्रारंभ थी वयो आहे तंहिं करे कलयुग जो असर जेको आहे सो सभिनि ते आहे त कलयुग में छाकाणि त माण्हुनि जी उमिरि कमज़ोर आहे थोरी उमिरि हूंदी आहे बुद्धि बि घटि हूंदी आहे त पोइ माण्हू छा अहिड़ो कनि जो उन्हनि खे जल्दी भॻवान जी प्राप्ति थिए त उन जे लाइ असां कोई वॾो यज्ञ कयूं त सभिनि ऋषि मुनियुनि सोचियो कि असां हिकिड़ो यज्ञ था कयूं यज्ञ करण जे लाइ उन्हनि खे हिकिड़े अहिड़े स्थान जी आवश्यकता हुई जिते कि कलयुग जो असर न थिए त उन्हनि सोचियो कलयुग जो असर कहिड़ी जाइ ते न हूंदो उन जाइ ते वञी करे असां यज्ञ कयूं त उहे सभई ऋषि मुनि जेके आहिनि से ब्रह्मा जी जे पास वया ऐं ब्रह्मा जी खां वञी करे पुछण लॻा कि छा धरतीअ ते कोई अहिड़ो स्थान आहे जिते कलयुग जो असुर न हुजे छाकाणि त असांखे हिकिड़ो वॾो हज़ार सालनि कर हलण वारो यज्ञ करणो आहे हाणे कलयुग में माण्हू जी उमिरि केतिरी आहे ज़्यादा खां ज़्यादा 100 साल उन्हनि खे यज्ञ केतिरो करणो हो 1000 सालनि जो त जिते कलयुग जो प्रभाव न हूंदो उते ई करे सघंदा त ब्रह्मा जी जेको आहे उन हिकिड़ो मनोमय चक्र हलायो जीअं चक्र हूंदो आहे न इहे चक्र नंढे हूंदे असांखे इहे चक्री हलायो गोल गोल घुमी करे खिलंदी आहे पट ते त ब्रह्मा जी आहे न हिकिड़ी चक्र हलायो ऐं चई जिते वञी करे इहो चक्र किरंदो न उते सम्झजो कि कलयुग जो प्रभाव कोन्हे उते तव्हां सरलता सां यज्ञ करे सघो था जेको तव्हांखे 1000 सालनि ताईं करणो आहे त 88,000 ऋषि मुनि गॾिजी करे उन चक्र जे पोयां विया ऐं जिते उहो चक्र किरियो आहे उन जाइ जो नालो आहे नैमी शारण्य तीर्थ उन नैमी शारण्य तीर्थ जे स्थान ते ऋषि मुनियुनि हिकिड़ो वॾो यज्ञ जो आयोजन कयो एतिरो वॾो यज्ञ कुंड बणायो वियो ऐं तव्हां सोचे सघो था 88,000 ऋषि मुनि कीअं लाइन लॻी करे वेठा हूंदा हा न ऐं सभई 88,000 ऋषि मुनि हिकु साथ आहुति विझण लॻा हिकदमि वॾो यज्ञ कुंड त हिकिड़ो ॾींहुं थियो ॿियो ॾींहुं थियो ऐं हिकु ॿ ॾींहंनि खां पोइ छा थियो प्रातर हुत हुता सुबुह सवेर उथंदा आया ऐं यज्ञ स्टार्ट कंदा संध्या जे टाइम ते संध्या वंदन करे पोइ विश्राम कंदा वरी सुबुह जो प्रभात जो उथंदा हरे कृष्ण जे ॿार रोहित था त साइड में कमरे में वठी वञो था ताकी सभु ॿिया डिस्टर्ब न थियो क्षमा कजो हरे कृष्ण त एतिरो वॾो यज्ञ जो आयोजन कयो वियो सुबुह सवेर यज्ञ कयो वियो कोई बि जेको भक्तीअ जो कमु आहे न उहो सुबुह सवेर जॾहिं असां कंदा आहियूं न त उनजो असांखे ज़्यादा लाभ मिलंदो आहे सुबुह जेको प्रभात जे समय सेवा थींदी आहे न उन टाइम ते छाकाणि त जेको वातावरण आहे न सो सात्विक हूंदो आहे वातावरण असांखे सपोर्ट कंदो आहे मन भॻवान जे नाम में लॻंदो आहे अमृत वेलो चवंदा आहिनि न अमृत भॻवान जो उन टाइम ते वर्षा थींदी आहे अमृत जी तंहिं करे उन टाइम ते जॾहिं असां नाम जप कंदा आहियूं हरे कृष्ण माताऊं जंहिंजा ॿार रोअनि था रूम में वठी वञो महिरबानी करे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे तंहिं करे हर रोज़ असांखे सवेर उथी करे हरि जो नाम जप करणु घुरिजे ऐं असांजे घर में जेकी असंतुष्टि आहे हृदय में जेको क्लेश आहे हिक ॿिए जे प्रति जेको द्वेष आहे आनंद न
भगवान सब कुछ दिनवा दिनतो वने त असन जीवन में पहले जमाने में मान वटे इतर सहूलत कोन होतियो लेकिन दिल संतुष्ट होतो है ना सुखी हुदाया थोड़ी सहूलतन जे होते हुए भी जीवन आनंद सा गुजरंदो हो छकण त मानो जे क्या सवेर उठे भगवान के याद करना होया नाम जप करना होया हरि जो सुमिरन करना होया आज भगवान की कृपा सा धन अपार आया एड़ सुंदर सुंदर बंगलन में असा रहो था घर गाड़ियों धन सब अपार आए पर शांति आए मन जी सुख आए को अंदर में आनंद आए उन जो एकड़ो ही कारण आए खबर तो सा छकण त सब भगवान के विसारे करे इन भौतिक वस्तुओं में आनंद गोरी रहे आए जेस्ताई मनुष्य भगवान के स्मरण न कंदो आहे भगवान के याद न कंदो आहे पोए भले असा के त्रिलोकी जो राज्य छो न मिली बने गुरु जी वाणी आहे सकल सृष्टि का राजा दुखिया जे कदे असा के सही सृष्टि जो राज्य भी मिली बने ना हजारों नौकर चाकर उजन घर धन धाम संभरियल उजे बार सेवा करण वाला उजन पुत्र आज्ञाकारी उजन पोए भी सुख न मिल दो सकल सृष्टि का राजा दुखिया हरि का नाम जपे सु सुखिया जेको हरि जो नाम जप कंदो आए ना भली उन जे पास धन न उजे भले उन जे पास ए शशरत वाली जिंदगी न हुजे भले उन जे पास जिंदगी भौतिक वस्तुअन जी लग्जरियस लाइफ न हुजे लेकिन पोए भी उन जे हृदय में आनंद हुंदो आहे उन जे हृदय में संतोष हुंदो आहे उन जे हृदय में एकड़ो सुख जो अनुभव हुंदो आहे असा अज भौतिक जिंदगी जे दौड़ में एतरो अज्ञान निकरी वया के भगवान के ना जाने केथे पुठिया छड़े आया केका पूछो अगर इते बैठल विमान का केतरो समय असा भगवान के दीदा आयो केतरो समय भगवान जो नाम जप करना त शायद असा के बुद्धायण में भी शर्म इंदी आए के न थींदो आए असा सा नाम सुमिरन बाकी ई जन्म जे को मिलियो आहे ओ मनुष्य जो भाई प्राप्त मनुष्य देया गोविंद मिलन की ये तेरी बिरिया हे मनुष्य जो जीवन आचार्य गुरत संतन सही दिनो आ लखी लिखी दिनो शास्त्र न में कि ये मनुष्य जो देह मिलियो ही भगवान के प्रसन्न करण जलाए अनसा भगवान के प्रसन्न करण का सिवाय यो सब काम करण ला तैयार है घर के संभालण तैयार बार के संभालण तैयार हे काम हो काम टीवी वीडियो मोबाइल यूट्यूब हर शे करण जलाए तैयार है हर शे के टाइम नियर्ण जिले तैयार आई हूँ अगर किसी से पूछे प्रभु आप कितना जप करते हो रोजाना माला करते हो नहीं मतलब अगर इम्पोर्टेंट न तो लगे ना तब बस इहो ही इम्पोर्टेंट न तो लगे सिर्फ अगर असा पहले जिंदगी में थोड़ा जान के निसो कि असा पहले पान सा केती गद्दारी करे रहे हैं है ना असा के भगवान यो जन्म दिनो आए वादो करे आयो भगवान सा माता जे गर्भ में के हाणे जी दफा जदे संसार में वेंदा सी त अवश्य तुजो नाम जपिंदा सी सबिन ये न खाली परीक्षित महाराज के भगवान जी करे गर्भ में दर्शन दिनो असा सबिन भगवान जो दर्शन कयो आए कपिल देव माता देवभूति के बुदांत के जदे बार गर्भ में हुंदो आए चेतना ही दितस पोया सो जन्म याद ही ना तस आई भगवान के बालाए करे चवंदो आहे हिन दफे मां संसार में वनी करे तुझे नाम जप करण का सेवा में कुछ ना करतस इस दफा में तुम्हें बाग कर ही रहूंगा आई संसार में अच्छी करे सब इंसान इनल वादा पूरा करना हो बस भगवान के इनल वो वादो छड़े लेना हो ते करे मां छा तो आके भागवत कथा बुधाय भागवत कथा बुद्धि करे भी कारण वो ही आए नमस्ता के राम बन जणो आए जो आज इन कलयुग में राम जे नाले ते वे पत्थर किए दरिया वो न समझनो त भी हलंदो राम राम जो नालो लिखण सा पत्थर न तर न जे के हो ना न बुडन ना है ना वे पत्थर किए दरिया वो न समझनो ना त
तब भी तवां जो जीवन गुजरी वेंदो लेकिन हिन कलयुग में तवां जी जेकी ये नैया डुबी रही आहे न उहा भवसागर पार कीअं हलंदी उहो ॼाणणु ज़्यादा ज़रूरी आहे ऐं आचार्य शास्त्र चई चई थकी पिया लिखी लिखी कलयुग केवल नाम आधार कलयुग जेको आहे हुनजो आधार नाम आहे हरे नाम हरे नाम हरे नाम भागवत में लिखल मनुष्य जो जीवन वठी करे हरिय जो नाम जप न कंदो आहे उहो कासाई खां भी बदतर आहे जॾहिं मां इहो पढ़ियो मां सोचियो कासाई सां कंपेयर छो कयो अथऊं कासाई छा खे चवंदा आहिनि जेको जिनावरनि खे कटींदो आहे हुनखे कासाई चवंदा आहिनि न जो जानवरनि खे कटंदा आहिनि पोइ हरिय जो जेको नाम नथो जपे उनजो कंपेयर भला कासाई सां छो कयो अथऊं बल्कि अॻियां हली करे त सुखदेव गोस्वामी ॾह अध्याय जे पहिरें श्लोक जे टे श्लोक पहिरें ॾह सिकंद जे पहिरें टे अध्याय जे श्लोक नंबर 4 में चवनि था कि जेको हरीअ जो नाम नथो जप करे न उहो कासाई न पर कासाई खां बि कयो गुज़रो उससे बि बदतर है त पोइ परीक्षित महाराज चवनि था छाजे करे चवनि था उत्तर ॾींदे हुए कि कासाई त पोइ बि जानवरनि खे मारींदो आहे न कासाई त जानवरनि जो वध कंदो आहे लेकिन जेको हरिय जो नाम जप न कंदो आहे न उहो त पंहिंजे आत्मा जी हत्या कंदो आहे और हिकु दफ़ा ना जाने केतिरनि जन्मनि सां असां बार बार पंहिंजी आत्मा खे अलॻि अलॻि योनियुनि में इहा आत्मा जेकी सच्चिदानंद भॻवान श्री कृष्ण जो अंश आहे भॻवान श्री श्रीमद भगवत गीता में डिक्लेयर कयो आहे मम एव अंश जीव लोके मुंहिंजो अंश आहे तूं ऐं उन भॻवान जे अंश खे जेको सचिन आनंद जो स्वरूप आहे कॾहिं कुते जे कॾहिं ॿिलीअ जे कॾहिं छिपकली जे कॾहिं सूअर जे कॾहिं घटर जे खीरे में वञण जे लाइ असां विवश कंदा आहियूं सिर्फ़ हिकिड़ो ई कारण आहे कि असां हरीअ जो नाम न जपींदा आहियूं असां हरीअ जे नाम खे विसारे वेठा आहियूं बाक़ी संसार खे यादि करे वेठा तंहिं करे अॼु इहो ॾाढो महत्वपूर्ण समय आहे वास्तव में न असांजी कोई योग्यता आहे ॿुधण जी न मुंहिंजी कोई योग्यता आहे ॿुधाइण जी भॻवान असांखे अवसर प्रदान कंदो आहे कॾहिं कंहिंखे मोकिलींदो आहे कॾहिं कंहिंजे द्वारा चवाईंदो आहे कि मन वरी अची वञो लाइन ते मन वरी सुधरी वञो मन भॻवान खे सभ खां वॾो ॾुख हूंदो आहे ख़बर अथव आपका बच्चा बिगड़ता है न उसको तकलीफ़ होती है न बच्चे खां ज़्यादा माउ पीउ तड़पंदा आहिनि उन ई तरह जॾहिं संतान भॻवान डिक्लेयर कयो भगवत गीता 9.17 तव्हां मुंहिंजा ॿार आहियो मां तव्हांजो पिता आहियां पिता मस्य जगतो जॾहिं असां हिन संसार में तड़पंदा आहियूं न बारंबार जनम मरण जे चक्कर में फासंदा हो न त उनजी तकलीफ़ भॻवान खे वध थींदी आहे तंहिं करे भॻवान योजना बनाईंदो आहे बार बार अहिड़ी योजना कंहिं न कंहिं भॻत जे दिलि में विझंदो आहे कि कोई अहिड़ो आयोजन कयो वञे जिते कुझु अहिड़ी भॻवान जी कथा कि असांजो सुम्हियल ज़मीन जाॻे ऐं असीं वरी हरीअ जे नाले जी माला खणण ते विवश थी वञूं वरी असां भॻवान जो नाम जप करणु स्टार्ट कयूं छाकाणि त इन खां सवाइ कॾहिं बि असां भगवत प्राप्ति न करे सघंदासीं जेकॾहिं तव्हां भले कंहिंजो बि सत्संग ॿुधंदा हुजो भले कोई बि तव्हांजो इष्ट हुजे भले कहिड़ो बि तव्हांजो गुरु हुजे
लेकिन जिन कदई तवा के वो उठाए तो के भगवान जो नाम जप करण का सिवाय भी तवा जन्म मरण जे चक्कर का छुटी सको था भगवान जो नाम जप करण का सिवाय भी तवा जे जीवन में सुख आनंद अची सके तो त माफ कजो वो तवा के धोखो नहीं रहयो आहे तवा सा चीटिंग करे रहयो आहे शकाण त कलैव नास्तैव 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 गति रण्यथा जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि असंशय ते करे बियो कुछ न सिखो सत्संग में वनी करे इत्रो प्राण कयो के हाणे अस हरि नाम जो जप जरूर करे जेके करे रहया आहे ओए पहिजी जपा जी क्वालिटी के बताई शकर की कोई क्रिया कोन आहे हरि नाम जप असले जीवन जो वास्तविक उद्देश्य आहे इससे बढ़कर और कुछ नहीं है और कार्य तेरे कितने न काम धन एकत्रित करण बार पैदा करण विवाह करण घर गाड़ी बंगलो ये सब इतने चली वेंदा वेंदा उन खड़ी जले काम के छा चवंदा केर साथ हलदो राम नाम संग है वो हरि जो नाम और कोई गारंटी थोड़ी आए कि अन्य आसा केतरो जिंदासी रोज सा खबर नहीं थी आई कि उन जी आ उम्र ने 20 साल भी मरी भयो के अना जा जमते मर दो आए कि नटड़ा बार मरना है कि कोई भी मर जाता है तो एक वायरस मार देता है कने भी बनी सब था छा मो ने खाई ना सी भगवान के बस वयासी जानवर छा करना है आहार निद्रा भाई मैं तो आई असा भी वही करे हली आया हूं भगवान क्या फेस कर सके ते करे पाइजे जीवन के एकड़ो उद्देश्य यो ठीक आहे सबिन के पेंजो ड्यूटीज करणियो आहे भक्ति जो मतलब यो थोड़ी आहे कि असा पेंजो ड्यूटीज चले लियो सभी पंजो ड्यूटीज करना आहे के बिजनेस में ना है उनन के बिजनेस करणो आहे ग्रस्त आहे उनन के ग्रस्त हलणो आहे स्टूडेंट्स आहे उनन के स्टडी करणी आहे सब कर्तव्य करणा आहे लेकिन किए करणा आहे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में चवन था तस्मात् सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मरयुध्य च पहिजो काम कयो ऐं साथ साथ में पहिरीं काम नहीं छो भगवान छो सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मर सुबह उठी पहिरीं मुझे नाम जप कयो पो पंहिंजे कम ते लॻो लेकिन असां छा कंदो असांजो ॾींहुं शुरू ई असांजे जीवन इंद्रिय तरफ से असां थींदो आहे असां कॾहिं सोचंदा बि न आहियूं कि सुबुह उथी करे नाम जप करे पोइ पंहिंजो जीवन स्टार्ट कयूं तंहिं करे इहो कार्तिक जो महीनो ॾाढो महत्वपूर्ण आहे हाणे बसि अंतिम समय हली रहियो आहे ई अंतिम समय ॾाढो महत्वपूर्ण आहे ख़बर थो चवंदा आहिनि कि अगर असां हिन कार्तिक जे महीने में साधना कंदा आहियूं त पूरे 11 महीने साधना जो फल मिलंदो आहे माना एक महीने की साधना पूरे साल का पैकेज मिलेगा लेकिन अगर पूरो महीनो यो कार्तिक जो भी न करे सघो ये जे की लास्ट जो 6-7 दिन बताओ ना ओ जे करे तवा कंदो त तवा के पूरे कार्तिक जो लाभ मिलंदो तै करे अज खा प्रण कयो के सुबह सूर्य देव के पेड़ी न उठण दिनासी पहले हम जागेंगे भगवान के दर्शन करेंगे उसके बाद सूर्य उगेगा और पता कलयुग जी की महिमा छा है परीक्षित महाराज एकड़े दफा दिग्विजय कंदे जने बनी रहे हो तने रस्ते में छा डिठाई केकड़ी गाय जेकी हुई सा रोई रही हुई एंड बेल जेको होन जा ट्रे पैर कपियल हुआ तने उनन के दिसी करे परीक्षित महाराज ने इतरो दुख लगो आई चाहिए माँ उन्हें पाखंडी जे वध कदस जे ना गाँव में बैल जो ऐडो हाल कयो आहे अच्छी पूछा ही बेल लखा कि तुझे जो यो हाल क्यों कयो तब बेल वास्तव में धर्म जो प्रतीक आहे असा के जीवन में दुखी तो आए ना पर असा के बे व्यक्ति के डोरा पोनी ना इसके कारण मुझे दुख मिला है ना आप पहले पहले जीवन में दिसो कोई ना कोई दुखी तो सब आए सब दुखी हैं ये संसार के आए दुखन जो घर आए ये संसार दुखन जो समुद्र आए
ऐ समुद्र जे अंदर वनी करे कोई दुखी न थिए इम्पॉसिबल सब दुखी आए शास्त्र बुधायो आए सकल सृष्टि का राजा दुखी आ हर कोई दुखी आए ऐ पोई असा जी छा प्रॉब्लम आए असा दुखी आयो त असा केके न केके पाइजे दुख जो कारण बुधाइना आयो कोई चवंदो आए मुझे दुख जो कारण मुझे सस आए कोई चवंदो आए मुझे दुख जो कारण मुझे नो आए कोई चवंदो आए मुझे दुख जो कारण मुझे संतान आए त संतान चवंदी आ मुझे परेशानी जो कारण बाबा मामा बाबा आए कोई चवंदो आए मुझे दुख जो कारण मुझे जो को पार्टनर आए सो आए कोई चवंदो आए मुझे दुख जो कारण मुझे नौकर आए कोई चवंदो मुझे मालिक मुझे दुख जो कारण है ना सब कोई पहेंजे पहेंजे दुख जो के कारण बताईंदा है अज बेल का पूछे तो परीक्षित महाराज जे को धर्म जो प्रतीक है बुधाए तुई जे दुख जो कारण सराए तने वो समय तो मां छा चई बुधाया शास्त्रन में भी खोले दिसा तो त शास्त्रन में भी लिखेल आहे के असा के दुख असा जे कर्मन जे अनुसार विधाता ब्रह्मा आपके जीवन में वो दुख नहीं लिख सकता जो कर्म आपने किया ही नहीं हो आपको दुख मिला है इसका कारण आप हो दुख जो कारण कोई भी थी न तो सके भगवान भी ऐसी करे तवा के दुख न तो नहीं सके दुख केवल असा पंचे कर्मन सा पंचो पाण के दीना ऐ जे को व्यक्ति असने साम बैठो आए ना जे के असा ब्लेम करनाओ के ओहो मुझे दुख जो कारण है वास्तव में वो व्यक्ति नहीं वो आपके ही कर्म है जिसने उस व्यक्ति का स्वरूप लिया है ओ व्यक्ति वास्तव में असा जो कर्म ही आए जो सामने असी बैठो आए जाहिर करे आए हम तो भुगत ना हो ऐ एकड़ी गाल ताकी सुंदर रूप लग दिया है ओ चाहे जने ही दुख मिले ना तनही कुंती महारानी की याद करो भागवतम जी पहने सिकंद में कुंती महारानी का भगवान पूछे तो कुंती महारानी जो जीवन तवा के खबर आए कुंती महारानी राजा जी पुत्री हुई ठीक है उन जो विवाह पांडव राजा सा थियो लेकिन विवाह थियण सा पहणी ही उन दुर्वासा ऋषि जी घणी सेवा कई आशीर्वाद नहीं तो जे देवता के गुराई ने अच्छे ले तो नटड़ी हुई सोचा ही ऐसे कैसे हो सकता है कि देवता के गुराई अच्छे मने मन मन चिक्का से करे निसा परीक्षा ले लो गुराई सूर्य देव के अच्छे लो कुंते के जे चागुर जे सही वो मां तो खाली ठो दे के मंत्र में प्रभाव आए मुझे कुछ नहीं चाहिए चला आए वहां तो कुछ नहीं मिलो है सारी ने पुत्र दे कर लियो कुआरी कन्या खाले गया पुत्र संसार सा जाओ ओन टाइम मते पहली परीक्षा शुरू थी अस कर्ण के काले का संसार के सा जाओ दिनस कि कुआरी कन्या जो पुत्र कार्य गंगा में बहा दिया ओन का कोई विवाह थे राजा पांडव सा राजा पांडव के श्राप मिली लियो ओन का कोई अलग अलग देवताओं के द्वारा संतान उत्पन्न लेकिन जनेई खाई संतान उत्पन्न थी उनका तने का वटी करे हस्तनापुर में धृतराष्ट्र आई दुर्योधन उन जे खिलाफ रोजाना एकड़ी नई योजना विशान महने कदे कदे विष खाराइंदा होया कदे कदे अग्नि वालो एकड़ो खांडो परस उन के लींदा होया वारणा में तुम्हें वठी विया कदे वरी उनन जे बारन जे मथा केड़ कदे केड़ो केड़ कदे केड़ो केड़ कदे जुवा में उनन जे साथ चल करे 12 साल जो वनवास 13 साल जो अज्ञातवास इतना दुख उन जे जीवन में आई उन खा पोए भी महाभारत जो युद्ध जे ने सभी कौरव पांडव जा सभी खानदान नष्ट थी गया जने युद्ध समाप्त थियो तने कुंती महारानी जड़े भगवान श्री कृष्ण हाने विदा वठी करे हस्तिनापुर का द्वारिका बनी रहा हुआ उन टाइम ते छा थियो उन टाइम ते शिशुपाल जी को हो उन हरे कृष्ण
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम। उन टाइम ते जद भगवान हली मनी रहे हो उन टाइम ते कुंती महारानी के चाहिए कि हाँ मां वंजन वारो आया बुआ बुधाए तो के मुखा कुछ घुर्जे तो तू मुखा घुरी वट तो नहीं। कुंती महारानी चयो कि जे कने मुखे डियणो मत थे ना तो मुखे दुख दे तो नहीं। भगवान चयो कि दुख न मा तो के सब सबे मानो सुख कर नहीं ना तमा भगवान का सा गुरदाई सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे। अरे चौदह सुख कुर्सी भगवान पहचे बुआ का पूछ रहे हो के तो के छा कुर्जे बुधाय मा तो के वरदान जान जे लाए तैयार आया तने ही भगवान जी बुआ जवे थी दुख कुर्जे। भगवान जो क्यों हमको तो कितने अच्छे लगते हैं क्या तने ही बो कुंती बुआ जवे थी ना दुख मुखे सुठाना था लगन लेकिन तनेही जीवन में दुख इंदो आए ना तनेही उन टाइम ते तोखे मां जने हृदय सा सुमिरन कर दिया है ना जनेही तोखे दिल सा याद कर दिया है ना और मुखे यकीन हो तो आए कि तू जरूर इने मुझे रक्षा करण जे लाए और तू मुझे उन विश्वास के जीताए करे मुझे रक्षा करण जे लाए इंदो आही भवतो दर्शनम यत्स्या अब पुनर्भव दर्शन तुझे दर्शन सा देखो सुख मिलंदो आए वो हजार दुख के अगर मुखे मिलन उन जे बाद भी जे करे वो सुख मुखे मिले तो वे हजारों दुख कब कबूल आए। आचार्य चलंदा आए सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए। असा जे सुखी आयो ना ते करे भगवान जो नाम नथो निकले। भगवान असा के फाइनेंशियली फिजिकली मेंटली परफेक्शन दिनी आए ना घर भी दिनो गाड़ी भी दिनी संतान भी दिनो बिजनेस भी सुठो हले तो कोई प्रॉब्लम को ना है ना तहे करे नाम न था वठो। जदे असा के घर में को दुख ही तो है ना आईसीयू में के जो भगवान न करे घर वालों को दाखिल हो जे उन टाइम ते नाम दिसो कियो तो निकरे। जे कदे जीवन में कोई दुख हो तो आए ना तदे ही वास्तव में नाम सुख में थोड़े बचन थी तो आए। अजे साजो ना मम मन न थो लगे ना मन में दिल न थी चले माला खरणा जी इच्छा न थी थिए कारण यही है भगवान ने बहुत सुख दे दिया। ना वठण जी दिल न छे ना भगवान के सामो वनी करे छो भगवान दुख दे ताकि तू जो नाम जप करे सको सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए बलहारी वार दुख के जो पल पल नाम रटा तेह करे। और ये सवन्ना है वरी तो आखे बुधाया अज भी संभली बनो अज भी पहले पान के संभाले वटो छाकाण त दुख में सुमिरन सबको करे सुख में करे न कोए जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोए। अज भी संभली बनो इनन सुखन के संभाले वटो जो सुख देना जानता है वो लेना भी जानता है। तेरे करे जिस तरह भगवान जीवन में फाइनेंशियली फिजिकली मेंटली परफेक्शन देनी आए ना उन टाइम ते हरि नाम जो नाम जप कयो भगवान से पंजो संबंध जोड़ो इयो ही मनुष्य जीवन जो एकमात्र उद्देश्य है। जे वटे माला को ना है जे के माला जप न था कर थोड़ो सीरियस थन बह माला सुबह जो कर मां सबिन जे लाए माला भी खड़ी आई आया भले असा जो जीवन केतरो ब कठिन हो जे केतरो ही असा जे पास इंगेजमेंट ज्यादा हो जन केतरो ही ड्यूटीज असा जो ज्यादा हो जन लेकिन वो हरि नाम का वध को ना आए वो ज्यादा जरूरी आए तह करे असा के भगवान जो नाम अवश्य वठण घुर्जे। तो सब 88,000 ऋषि मुनि जेके होया यज्ञ कर रहा हुआ एकड़े दिन साथ हो सूत गोस्वामी होते प्रकट था। सूत गोस्वामी जने आया तने ही उनके निसी करे जेके शौनक आदि ऋषि मुनि हुआ उन्होंने एकड़े सिंहासन ते मतलब ये जे आसन आए ना उन ते बिहारे
उन्हें जा चरण धोता उन्हें के आदर सम्मान कयो आई पोई चवण लगा असन जी इच्छा है के ता असन के कथा बुधायो तने सोत को स्वामी चयो ता त यज्ञ करण आया आयो केतरे टाइम जो यज्ञ कयो हां 1000 इयर्स 1000 साल जो यज्ञ जी दवा है ते अरेंजमेंट कई है मां कथा करे बुधाया ता के कथा बुधण जो टाइम अथो असन जे पास ना कथा बुधण जो टाइम ही ना होतो भागवत कथा असा के लगलो शुरू थिया त खत्म करे थिया बस इतना ही सोचते हैं खत्म थण भागवत कथा और सूत गोस्वामी चण लगो भाई भागवत कथा बुधण जे ला 7 नियम जी आवश्यकता है 7 नियम सुबह का शाम तक जदे या भागवत कथा हले त मन कुछ चाहिए सकता सी सम ड्रॉप्स असा ले सकता सी बाकी इना अर्ध घंटे 15 मिनट तो ना भागवत कथा थी गया ता सुन को समझ जो भाई ताने पास टाइम आए छ भागवत कथा बुधण जो तवा तो सजो समय छा कदो ये के करनो तने ही शौनक आदि ऋषि मुनि सवन था नाना असा के यज्ञ वगे ना करनो असा भागवत कथा बुधणी आ है तजे ये तवा अगर यज्ञ करनो ना तो वो एडो बडो यज्ञ कुंड बनाए कर आयोजन छो गयो तो सयाओ ये यज्ञ तो केवल एक बहाना था जिस बहाने के द्वारा आपको यहाँ बुलाना था अगेन जमाने में ये कौन दो व्हाट्सएप पे कॉल को कि भाई दीदी हम लोग है ना भागवत कथा रखना चाहते हैं आप 7 दिन के लिए आ जाओ खबर ही ना होता जेके ऋषि मुनि होता है खबर ना काथे रंदा गुफाओं में मनी करे तपस्या करना काथे कौन से मनी करवान के है ना जेके भगत होता कितनी थोड़ी है कि आज तो असा ने पा श्री प्रभुपाद जी अनुकंपा जिते दिसना एकड़ो असा के भगत मिली विंदो है बियो किथे ना भी वजो असा जे करे क्वारंटाइन में घर ते भी बैठा हो तने में खाली सर्च करनो है इस्कॉन डिजायर है हजारे भगवान YouTube ते भक्त जी लाइन लगिया जिसको सुनना चाहो सुन सकते हो ये थोड़ी हम दोयो पेणी तो असा के भगवत कथा बुधण जिल्ला वणी करे जंगल में के ऋषि मुनि के गुलणो पहुंचोयो मन को सोवियत देश जो राजा जेको रहुगण है सो भी वणी रहयो हो वणी रहयो कपिल देव जे आश्रम में वणी मां भगवान जी कथा बुधा मां जनक भगवान जी कथा बुधण जिल्ला वेंदा या किथे जंगल में वणी करे वडा वडा राजा जेके होया से पंजा राज रजवारा जे ये घर में थोड़ी कथा ही थियो हे तो श्री प्रभुपाद जी की कृपा है कि घर में ऐसी करे कथा मिलंगी है उन जे लिए भी टाइम न कड़दा हो सा त सूत को समय जो कि ना मां की कथा बुधाया जो जो तवां जे पास समय ना त जेउ ना असा असल में यो यज्ञ जो आयोजन इन करे कयो को कोई भगत अच्छे जिस ताई खबर पौंदी है ना जे भक्तन के भाई जे ते भागवत कथा है कोई भगवान जो भगत तो उन के खबर पौंदी भागवत कथा है तो उन जी इच्छा होंदी ना मनी मां भी दर्शन करे सा त इन करे वडो आयोजन कयो वयो कि जेके भी भक्त आए ऋषि मुनि आए से ते अची करे एकत्रित थन आई को उन मां जे को श्रेष्ठ होलो उन खान सा कथा बुधना सी त उन ही टाइम ते इत्रो वडो जे को यज्ञ कोंड होयो उन के सजो पानी वाणी विझी करे सजी अग्नि बुझा सनेओ आई को रेती विझी करे एकदम बैलेंस करे यसीला विला बिछाई सनेओ पैसा को वेरे हाने छा करनुआ कथा बुधनिया जी भागवत खबर तो कदा कथा शुरू थी तो आए जितना गीता खत्म थी दिया है गीता कथा खत्म थी दिया है गीता जी अंत में भगवान श्री कृष्ण चरण था सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासुच सभी धर्म जने मुझे शरण में आछो यो गान तो सभी के खबर आए गीता में भगवान चाहियो सर्व धर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज असा मन वहां ठीक है असा भगवान जी शरण में आए इतना कह देना काफी नहीं शरण में आछण लाय करणो छा भगवान तो चाहियो जे कदे ता मुझे शरण में इंदा अहम तो सर्व पापे भयो जेड़ा वो पाप कया तो केड़ा वो पापी दुराचारी आयो मां माफ कर दो मां बैठो है ना मां ता के सभी पापन का मुक्त करे छले तो मां सोच लेकिन शर्त चाहे मुंजी
मेरी शरण में हो। तो शरण में कैसे आएंगे फिर, है ना? प्रैक्टिकली वहां से गीता खत्म होती है, यहाँ से भागवत शुरू होता है। शरण में अचना से जने असा भगवान जी भक्ति करना से। हाने भक्ति जो मतलब चाहे क्या केवल अगरबत्ती को माना भक्ति है या सो बोलो असा जी चाहे भक्ति जो एक डेफिनेशन सुबह जो उठना से धंधे ते वन का पेड़ी भगवान के अगरबत्ती को माए ना भगवान जो कम थियो थिया ये इतना सामान अगरबत्ती को माए ना माना लत्थो कमाए ये अगरबत्ती को माना भक्ति थोड़े है। भक्ति जो मतलब चाहे वो कोई बताएगा व्हाट द मींस ऑफ डिवोशनल सर्विस। भागवत में प्रहलाद महाराज उदाहरण था। भक्ति नौ प्रकार जो होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति हुआ है जो कि हियर तम कर ही रहा है। क्या कर रहा है? भगवान जी कथा के बुद्धि रहा है। आई बी भक्ति के लिए खबर तो जेकी तमा करण जो सोचे रहा है। क्या सोचे रहा है? कि हाने असा रोजाना हरि जो नाम अवश्य जपेना से। पता नहीं सोचे रहा है एक बार से तो मैं से बोल सकती हूँ क्योंकि जब ऐसा श्रवण कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मन में इच्छा थी लिया है कि अब हम अच्छे से नाम जप करेंगे, है ना? शाकर तो उद्देश्य ही हो या है जे कने ही तवा सत्संग अटेंड कयो था लेकिन तवा जे हृदय में भगवान जो नाम स्मरण करने जी इच्छा ना आए तो माफ कयो सत्संग जो कोई लाभ ही न थियो। सत्संग जो हिकड़ो ही मकसद आए कि हरि जे नाम में रुचि लगे मन में इच्छा उत्पन्न थे कि मुखे हरि जो नाम जप करणो आहे। आपको पता है आपके मन में इच्छा क्यों नहीं होती? ऐसा तो कभी ऐसा तो सत्संग को तो ना मुखे तो मन ना तो जावे तो मान जप कया। उसका कारण ये है कि जे का बुद्धो था ना वो भी ना तो जपे ते करे बुद्धड़ो के खाए ना वो भी सोचे समझे किसी से भी सत्संग नहीं सुनो पहले पूछो बतो भगत आई भगवान जो जिसके पास होगा वही देगा ना, है ना? कहीं शॉप पे वनो कहां मेडिकल स्टोर पे वनो 12 किलो पटाटा ले हाई कोने खा तो नहीं दो, है ना? जो भक्त नहीं है ना वो भक्ति नहीं देख सकता। एक दम श्री प्रभुपाद जी का के पूछो स्वामी जी मुझे भक्त बनना है मैं क्या भक्त बन जा? तरह श्री प्रभुपाद जी सिंपल सवाल पूछो सवाल जी बदले में सवाल अगर आपको शराबी बनना होता तो क्या करते हैं? जी शराबी बनना तो सरल है मैं एक खाने में बैठ जाओ चार शराबियों के बीच में दो पेट लगाओ शराबी बन जाओगे। तो जी बस ऐसे ही करना है भक्तन के बीच समय में वही रहो चार दफा महामंत्र जप करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बस बन जाओगे भगत। आवाज के जय करे अगर भगवान संगने प्रार्थना करनी आए मुझे शिक्षा गुरु चवन आया कि अगर भगवान का कुछ गुरणो आए ना तो भक्ति भी न करो मैं तो उसके पास होगी तो देगा ना। भगवान के पास पहली भक्ति कौन आए? भगवान के पास तो भक्तन से लाए प्रेम आए करुणा आए लेकिन भगवान जी भक्ति के जे पास आए हां भक्तन जे पास। तो अगर भगवान का कुछ गुरणो आए ना तो भगवान का गुरु के मुखे पंजे शुद्ध भक्तन जो संग है जनहीं शुद्ध भक्तन जो संग मिलंदो आए ना पोए मिलंदी आए भक्ति। लेकिन असान जो दुर्भाग्य छाए खबर तो शास्त्र में लिखेल है श्रीमद् भागवत में कलयुग जे मानन जे चार डेफिनेशन लिखिया है 1.1.10 पहले सिकंद पहले अध्याय दो श्लोक कलयुग जे मानों जे अंदर चार चार क्वालिटीज आई ना सब खोले बुधायु तो केडियो प्रायेण अल्पायुष्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो
कलयुग जे माण्हुनि जी डेफिनेशन पहिरीं क्वालिटी अल्प आयु उमर बिल्कुल थोड़ी कोटे जी उमर केतरी आ 100 साल न मिलंदी इतरा अपराध जीव कंदो आहे भगवान पाण परेशान चलो जेकॾहिं अञा वध जीअंदो त अञा अपराध कंदो विच में मारे छॾ कोटे जी उमर बि न मिलंदी आहे पहिरें जनम में ईअं थोरी थींदो हुयो जेतिरी जेतिरी उमिरि उन युग जी हूंदी एतिरी उनखे सही सही ईमानदार सां मिलंदी हुई हाणे मिलंदी आहे 100 साल को 40 में पटक टपकंदो आहे को 50 में को टीह में कॾहिं टपकी वेंदा आहिनि सभु भॻवान जो जेतिरो जीअंदो एतिरा कंदो तहिड़ा ई हूंदसि तंहिं करे निकिरे हितां खां त पोइ हिकिड़ो त उमिरि थोरी ॿियो मंद आहे मंद माना सुस्त आहे तव्हांजो दबा असां त सुस्त न आहियूं असां त एक्टिव आहियूं ॾाढा कलयुग में एक्टिविटी ॾिसो माण्हुनि जी पहिरें ज़माने में त एयर कूलर्स न हूंदा हुआ एयर कंडीशनर्स न हूंदा हुआ रेफ्रिजरेटर्स न हूंदा हुआ मोबाइल न हूंदा हुआ कंप्यूटर न हूंदा हुआ है न लेकिन हाणे अॼुकल्ह माण्हुनि केतिरी सारी इन्वेंशन एडवांस केतिरी थी वई आहे साइंस मंद त न आहे न सुस्त न आहे लेकिन शास्त्र में लिखियलु आहे मंद आहे मंद माना राम भजन को आलसी भोजन में होशियार इंद्रिय तृप्ति के लिए बिंदास पूरा 24 घंटा भी जे कहीं असा के इंद्रिय तृप्ति एंजॉयमेंट मिले ना तो मजे से कदा से भागवत कथा में अध घंटो बयान को तकलीफ थी दिया माला खरण ते असा के ये लगंदो आ शायद माला जे अंदर कोई नाम विछु पियो तो माना ना डंगे वठे तंहिं करे माला में हथु विझण जी दिलि न चवंदी आहे न राम भजन करण जी इच्छा न थींदी आहे न आहे प्रैक्टिकली फील कंदा आहियूं न असां और मंदासु मंद मत आहियो बुद्धि बि घटि आहे बुद्धि कहिड़ी घटि आहे ईमानदारी सां ॿुधायूं कलयुग जे माण्हुनि जी बुद्धि एतिरी त निकृष्ट आहे कि उहो अगरि सोचे बि कि हाणे मूंखे भक्तीअ जे रस्ते ते अॻियां वधणो आहे चाहे पुरुष हुजे या स्त्री उनखे सम्झ में ई न ईंदो आहे कि कहिड़ो रस्तो खणा हे चए थो गणपति जी भक्ति कर हे चए थो शिव जी भक्ति कर हे चए थो झूलेलाल जी भक्ति कर हे चवे थो शेरावाली माता जी भक्ति कर हे चवे थो इन साईं बाबा जी भक्ति कर वञा काॾे हे किताब में हे लिखियलु आहे हे किताब में हे लिखियलु आहे सम्झ में नथो अचे भॻवान केरु आहे कलयुग जे माण्हू जी एतिरी दुर्दशा आहे कि अञा ताईं भॻवान केरु आहे उहो ई सम्झ में नथो अचे भॻवान मिलंदो भॻवान जे मिलण जे लाइ जो जतन कंदो सो त ॾाढो पोयां जी ॻाल्हि आहे उमिरि गुज़री वेंदी आहे उन खां पुछो बाबा भॻवान केरु आहे दुर्भाग्य एतिरो जो घर जा चार भाती चइनि खां पुछो बाबा भगवान केरु आहे असां त हिन खे था मञूं वरी पीउ खां पुछो भगवान केरु आहे मुंहिंजी श्रद्धा त हिन में आहे पुट खां पुछो भगवान केरु आहे मैं तो इस्कोन से हूं हरे कृष्ण को मानता हूं सभिनि जी पंहिंजे पंहिंजे भगवान जी न आहियूं और असां वरी अहिड़ा त सिंधी समाज वारा सोफिस्टिकेटेड आहियूं कि असां चवंदा सभ में भगवान आहे जंहिं जो मूंखे मञे हिकिड़ी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी ॻाल्हि कोन आहे असांखे हिकिड़ी ॻाल्हि तॾहिं लॻंदी आहे जॾहिं त असां पंहिंजे शास्त्र खे सम्झण जी कोशिश ई न कंदा सम्झ में कोशिश करियो न अचे उन खां पोइ कोई सम्झाए उहा ॿी ॻाल्हि आहे असां कॾहिं गीता खोले करे कोशिश कई आहे कि हिन मां पुछो भई भॻवान केरु आहे कभी असांजे शास्त्र कहिड़ी आहे सनातन धर्म जो एको शास्त्र देवकी पुत्र गीतम अवां जी पहचान अगर कहिड़ी किताब सां आहे त उहा आहे श्रीमद भगवत गीता ऐं श्रीमद भगवत गीता ॿुधाईंदी असांखे भॻवान केरु आहे अस में बताऊंगी भॻवान इहे मत मानना ॿियो कोई हिते वेही करे आसन ते तव्हांखे ॿुधाए भॻवान केरु आहे मत मानना पंहिंजी किताब खे खोलियो मुसलमान पंहिंजी किताब खे मञींदा आहिनि क्रिश्चन पंहिंजी किताब खे मञींदा आहिनि सिख पंहिंजी किताब खे मञींदा आहिनि दुर्भाग्य आहे असां सनातन धर्मी जो न गीता खे मञंदा आहियूं न गीता खे पढ़ंदा आहियूं न कॾहिं सम्झण जी कोशिश कंदा आहियूं श्री कृष्ण बलदेव जी
तहजे करे असा भगवान के समझण जी कोशिश ही कोन करता आयो मंदा सु मंद मता आयो जीर जी बुधाई तो आए ना ये करण जी लाई तैयार कुछ ना हे भगवान मनण लते हां केर कदे विश्वमा उठी करे सेवा भाई गीता में लिखा कि शंकर भगवान तुम के तो जइयो भगवान आ बे के धर्म वाले के मनी करे सो तो भाई अल्लाह भगवान कौन है हे भगवान आ फिलानो तावे उन टाइम में जान सा मारे शरीर असाने धर्म जो एड़ो तक हाल गुरुआ कि केर कुछ भी चले ना मनन ला तैयार आयो बाकी किताब खोले करे ना दिसना सी कि वाकई में भगवान केरा जेको मुखे जन्म मरण जो चक्कर सा टेटी करोड़ देवी देवताओं जे मथा जदे का दुख इंदी तकलीफ लिया तो भगवान श्री कृष्ण जे पास इंदा है वेद व्यास जी चाहे तो भगवान कृष्णा शिव जी चाहे तो भगवान कृष्णा ब्रह्मा चाहे तो भगवान कृष्णा कृष्ण पाण गीता में लिखे ला मां कृष्णा जो भवे जो विश्व रूप देखारे करे बुधाई के मुझे अंदर ही सभी देवी देवता अभी तक इतना सब सबूत अन्या तय असा चंदा से बल असा तैनन की मनता हूं मन्यो आदर सबे जो कयो लेकिन वो भगवान भगवान सबे में आए इन गाल खान कोई इनकार न तो कर सके भगवान तो एकड़े कुत्ते में भी आए भगवान तो एकड़े कीड़े में भी आए गाँव हाथी चांडा जे अंदर भी भगवान आए लेकिन वो सब भगवान कौन आए समझण जी कोशिश करो भगवान तो सब में है लेकिन सब भगवान नहीं है हर कें जी पूजा करे असा भगवान के प्राप्त न था कयो तहि करे भगवान चयो आहे चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 25 यांति देव व्रता देवा पितृन यांति पितृ व्रता भूतानि यांति भूते च यांति मध्य जिनो पिमा सबे रस्ता मोडे न वेंदा है जे रस्ते ते वेंदा उहा मंजिल मिलंदी तहि करे पहिरी मंजिल डिसाइड कयो उन जे बाद हलण स्वीकार कयो असा हलंदा रहया आयो इकड़े जन्म जी गाल थोड़ी आ बहुत जन्म बीच रीति मा घणन जन्म का विछड़े लाई भगवान से बार बार जन्म वठना हो यो जन्म कम से कम यो पत्तो लगायो कि असा जी मंजिल तो भगवान श्री कृष्ण आए उन जो नाम जप करे असा उन रखे तो एकड़ो तो कलयुग जे मानन जो उमर थोड़ी आए बियो मंदा सुस्त आए भक्ति न थी वी तस बियो वरी जेको जिया मुदानो बंद न तयो कदे पहेंजी अकुल जो अकुल के त एतरो संभाले रखन आए के खाली पैसन कमाने जो काम करे बस अकुल जो काम करना है ना वो खाली दो का पांच पांच का दस कैसे हो कैसे अब भौतिक जगत में इंक्रीज करें अपने जीवन को कैसे लग्जरियस लाइफ को अकुल जो कम बस ही तो बाकी गीता भगवत जिला अकुल जो कम जरूर थोड़ी आ वो तो बस सुनना है खाली पढ़ी अमा रोज गीता जो पाठ करने आए हम ऐसे तो रोज गीता जो पाठ करने आए तो गीता में मुख्य था कृष्ण भगवान आए तो गीता में लिखे ना ऐसा उन्होंने सुना बस पाठ करने आए समझने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं बस पढ़ने के लिए पढ़ते हैं मंदा सुमंद मत है आई उन खाव में दुर्दशा चाहे मंद भाग्य कलयुग जे प्राणी जो भाग्य भी मंद है मतलब दुर्भाग्यशाली है तो ऐसा जो ना सी दुर्भाग्यशाली के जाना ऐसा ही नजर में जिनके पास धन ना है वो दुर्भाग्यशाली बेचारो गरीब जिनके पास पति ना है वो दुर्भाग्यशाली जिनके पास पुत्र ना है वो दुर्भाग्यशाली जिनके पास घर ना है वो दुर्भाग्यशाली असन जी डेफिनेशन दिस इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन असल में शास्त्र छात्र है दुर्भाग्यशाली वो आहे जिनके भगवान जे भक्तन जो संग न मिले सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर होए पुत्र पत्नी आई धन दौलत उहे त धाड़ेलन जे घर में हुंदा आहिनि जेके चोर डाकू हुंदा आहिनि न उन्हनि जा बि पुट हुंदा आहिनि पत्नी हूंदी आहे धन दौलत उन्हनि जे घर में हूंदो आहे सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे ये ब शयूं जंहिंजे पास न हूंदियूं आहिनि न उहे दुर्भाग्यशाली हूंदा आहिनि और जंहिंखे मिली विया समझो उहे सौभाग्य लेकिन असांजो अहिड़ो दुर्भाग्य
कि कदाई को भक्त जो संग मिली भी वने खबर वो पाई वने भई ते भगत आया आहे सुबह जो रोजाना 5 बजे आरती थींदी आहे शाम जो संध्या आरती थींदी आहे विच में भी कीर्तन थींदो इच्छा तक नहीं होती कि हम जाए इच्छा भी न थींदी आहे कि असा के वणणो आ कलयुग जो एकड़ो सुंदर तवा के गुण बुधाया कलयुग जे अंदर वैसे त घणाई अपराध आहिन लेकिन उन जे अंदर ब गुण जे मां तवा के कथा बुधाई के परीक्षित महाराज जने ही डठो धर्म जी बेच होयो सो मूर्छित हो तने उन के खबर पई के कलयुग या इन जी आदत कई है कलयुग में ही धर्म जा टे पैर जे किया है से टूटल आहे जेको धर्म आहे ना वो चार पैरन ते बैठल आहे इते मां पंहिंजी कथा के विराम ॾींदस ध्यान ॾिजो ॾाढो महत्वपूर्ण प्रसंग आहे जेके असां धर्म चवंदा आहियूं ना उन जा चार पैर आहिनि चार पिलर आहिनि जीअं हिकिड़ो घर हूंदो आहे ना वो चार थमनि ते बीठो हूंदो आहे ना उन ई तरह धर्म भी चार पिलर ते बीठो आहे कहिड़ा आहिनि तप शौचम दया सत्यम तपस्या पवित्रता दया ऐं सत्य लेकिन चार कम करण सां ये चार पिलर्स टूटी वेंदा आहिनि ओए केड़ा चार कम आहिन द्योतम पाना स्त्रियम सुना पहिलो पिलर केड़ो आहे तपस्या तपस्या जो पिलर तपस्या जो थंब तरही टूटंदो आहे जनही कोई नशो कंदो आहे छाकाणि त जंहिंजे जीवन में नशो हूंदो आहे वो कॾहिं बि तपस्या नथो करे सघे उन खां पोइ ॿियो पिलर आहे शौचम यानी पवित्रता पवित्रता जो थंब तॾहिं टुटंदो आहे जॾहिं कोई व्यभिचार कंदो आहे पंहिंजे पति ऐं पत्नीअ खे छॾे करे ॿिए कंहिं सां कोई संबंध रखंदो आहे उन खां पोइ तप शौचम दया दया जो पिलर तॾहिं टुटंदो आहे जॾहिं कोई मांसाहार कंदो आहे पशुअनि खे मारे करे खाईंदो आहे ऐं उन खां पोइ आहे सत्य सत्य जो पिलर तॾहिं टुटंदो आहे जॾहिं कोई जुआ खेॾंदो आहे इहे चार अपराध जेको कंदो आहे सो सनातन धर्मी थी ही नथो सघे सनातन धर्म जी दीवार उन जे लाइ उहो सनातन धर्म जो जेको घर आहे बणियल आहे न उन जे लाइ उन जा दर बंदि हूंदा आहिनि जेको इहे चार कार्य कंदो आहे कहिड़ा चार कार्य आहिनि नशो करण मांसाहार करण जुआ खेॾण ऐं व्यभिचार करण इहे चार कार्य उन्हनि कलयुग खे जॾहिं परीक्षित महाराज मारण आयो तॾहिं कलयुग पेरनि ते किरी पियो ऐं चवण लॻो मां बि त तव्हांजी प्रजा आहियां मूंखे रहण जी जाइ ॾे उन टाइम ते परीक्षित महाराज चयो ठीकु आहे तूं इन्हनि चार स्थाननि ते रही सघे थो जिते जुआ खेॾियो वञे जिते मांसाहार कयो वञे जिते अवैध संग कयो वञे या जिते व्यभिचार कयो वञे इन्हनि चार स्थाननि ते तूं रही सघे थो मतलबु उहे चार स्थान कलयुग जे रहण जो जायो उन्हनि चार स्थाननि ते कॾहिं भक्ति न थी सघंदी आहे तंहिं करे जेकॾहिं असां उन कलयुग जे प्रभाव खां बचण चाहियूं था त पंहिंजे घरनि खां इन्हनि चार वस्तुअनि खे दूर करणो आहे पंहिंजे जीवन खां इन्हनि चार वस्तुअनि खे दूर करणो आहे दुर्भाग्यशाली आहिनि उहे जीव जेके सनातन धर्म में जनम वठंदा आहिनि और पोइ बि इहे चार अपराध कंदा आहिनि असांखे जेकॾहिं सुखी रहणो आहे त कलयुग जो जंहिं मां तव्हांखे गुण ॿुधायो कि कलयुग में घणा ई अपराध आहिनि जॾहिं ऋषि मुनियुनि खे इहा कथा ॿुधाई सूत गोस्वामी तॾहिं सभई ऋषि मुनि जेके हुया से परेशान थी विया कि परीक्षित ने आखिर कलयुग को मार क्यों नहीं दिया और कलयुग परीक्षित महाराज के अंदर इतना सामर्थ्य हो कि वो कलयुग के मारे सको थे पर उन्हें न मारो छाकाण त जेको 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 बुद्धिमान व्यक्ति होंदो आहे वो साम्हूं माण्हुनि में गुण ॾिसंदो आहे असांजी असां केतिरे पाणी में आहियूं असां केतिरा बुद्धिमान आहियूं ना उनजी परीक्षा कॾहिं थींदी आहे ख़बर अथव जॾहिं असां ॿिए माण्हू खे जज कंदा आहियूं
असा छा कनाऊ केजे अंदर 100 गुण हुजन उवे दिसण में नई ना असा के हिकड़ो अपराध ना वो दिसण में दो और जेके वैष्णव हुंदा है ना उवे छा कनाए केजे अंदर 100 अपराध हुजन हिकड़ो गुण हुंदो है ना उनके दिसना है और कृष्ण बलदेव की असा जे अंदर भगवान जी केतरी भक्ति आई आए ना वो की खबर पौंदी अपराध अपने दे अपने में देखो और दूसरों के अंदर गुण देखो कुछ तो जेके भगवान बनायो आए सुन्या सखड़ा कोई नहीं सभी जे अंदर कोई ना क्वालिटी आए तवा इसी करे उन जे अंदर क्वालिटी दिसो उन जे अंदर गुण दिसो दुर्योधन के चयो वनो वनो संसार में वनी करे को पवित्र मान दिसिय कोई कोई पुण्य भक्त मानो खणी वो जे तो संसार मोख सुठो तो कोई आए कोनी युधिष्ठिर महाराज के जो वनी करे संसार में को पापी बोले छे सने तो मुख मनो को पापी बोले असन करे जो मुख वरो बयान के पाप बयान के अस पाप पापी दिसनाओ ए पेंजे अंदर पवित्रता दिसनाओ त कलयुग जो गुण छाए हिकड़ो परिषद महाराज जे करे कलयुग के ना मारो शुक्ते को समय बुधाइन था करेर दोषे निधे राजन यस्ति एको महानगण कीर्तनाते कृष्णस्य मुक्त संगो परम रजे हे परीक्षित कले दोषे निधे राजन कलयुग में तो दोष ही दे दोष आहे कलयुग तो दोषन जो समुद्र आहे यस्ति एको महान गुण लेकिन इन जे अंदर एकड़ो एहड़ो महान गुण आहे जो उन जे सभी दोषन के समाप्त करे सही तो आहे अच्छा ओ केड़ो गुण आहे कीर्तना देव कृष्णस्य आप सब बोलो कीर्तना देव कीर्तन अगर करियो कह जो करियो कह जो करियो क्लियर स्टेटमेंट का किसी का भी कीर्तन नहीं करना है कीर्तना देव कृष्णस्य जेकर ऐसा भगवान श्री कृष्ण के नाम जो कीर्तन करना सी मुक्त संगो परम ब्रजे कलयुग जे सभी अपराधन का मुक्त थी करे भगवत धाम के प्राप्त करना सु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे आई कलयुग जो बियो केड़ो बियो गुण केड़ो आए कुशली याशु सिद्धार्थ कलयुग जे अंदर जे कदे असा कोई पुण्य कर्म खाली मन में सोची दासी ना उने टाइम ते उन जो असा के लाभ मिलदा ब्यान युग में ये नथी तो है ब्यान युग ने उल्टो आहे पाप सोचन जे टाइम ते ही उन जो पाप जो असा के फल मिलदो आहे पुण्य तब तक नहीं मिलता जब तक किया नहीं जाए कलयुग में एकदम उपत्तो आहे पुण्य जे टाइम ते सोची ना आयो ना उने ही टाइम ते आज आप सोचो इते बैठा आयो ना सोचो सुबह सवेर उठना सी 4 बजे उठी कर भगवान जी मंगला आरती करना सी आई उन का पो 16 माला जप करना सी खाली सोचो में ना उने ही टाइम ते लिखी लो लेकिन दुर्भाग्य के खबर तो असा सोचो में ना था असा गिरना बाबा थद में के तो थे सुबह जो सोना माला हम तो सोच भी नहीं सकते लेकिन अगर ये सोची दो ना उन्हें टाइम आते मिला दो ईमानदारी सांगर सोचो ना और पाप का परिणाम तब तक नहीं मिलेगा जब तक नहीं करोगे जने ताई पाप न करना ना तने ताई पाप जो भले मन में पियो हले मुझे ये पाप करके रहना है करके रहना है करके रहना लेकिन जैस ताई वो मुंह में विजना हो ना तेस ताई नॉन वेजिटेरियन जो पाप न लगा दो उल्टा एकदम पहले जमाने में पहले युगों में अलग हुंदो हो लेकिन भगवान क्या है कलयुग जे प्राणियों जो कि इतरो सरल करे भगवान असा के यो युग दिनो आए सत्युग में भगवान जी प्राप्ति किया थी दी हुई
हजारों साल ध्यान करना सा त्रेता युग में भगवान जी प्राप्ति के लिए करोड़ों यज्ञ करना पड़ा गया। द्वापर युग में परिचर्या करनी पड़ी। कलाउ था हरि कीर्तना केवल हरि जी नाम जे कीर्तन करण से भगवान मिली वेंदो। आई असा सा इयो भी न थिंदो आहे ते करे असा के थोड़ो पैजे जीवन के पवित्र करनो आहे पैजे जीवन के परिवर्तित करनो आहे। कुछ क्षण हरि नाम जे संकीर्तन जे लाए भगवान जी भक्ति जे लाए ईमानदारी से करनो आहे। ये दाडो सुंदर समय आए जिनके माला जिनके नकंदा आए ए करण शाही था उन जे लाए अस मालाओं भी आंदियो आए ताकि वो सुबह जो नाम जप करे सकन। इते रोजाना सुबह जो मंगल आरती थींदी आए सुबह जो सवेर उठी करे भगवान जी मंगल आरती जे करण सा जीवन में जेको भी रोग हुंदो आए जेकी भी टेंशन हुंदी आए जेकी भी प्रॉब्लम्स हुंदी आए वे सब समाप्त थींदी आए। आई असा छा करना उन टाइम ते ब्लैंकेट में सुमंदा आए हां केंखा पूछी दिसो असल करे लगंदो आए कि भक्तन के मिलंदो क्या सुबह सवे उठी करे अगिंडड़ी बजाए करे नाम जप करना है या मंगल आरती करना है न पान सुख सा सुमंदा है न बेन के सुमण लेना है। लेकिन उनन खा वनी करे बुधो पूछो तो सही कि उनन के केड़ो आनंद छ रहयो है त कदी उन आनंद जो जेकरे तमा के आस्वादन करनो छे मोस्ट वेलकम तमा इते अची करे सुबह जो 5 बजे मंगल आरती उनखा पोए तुलसी पूजा उनखा पोए गुरु पूजा उनखा पोए नाम जप जो आस्वादन करे सको था। शाम जो भी ते कीर्तन थिंदो आए संध्या आरती 6 बजे खा वठी करे 7:30 बजे संध्या आरती थिंदी आए। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम आप आ सकते हो अटेंड करके आनंद ले सकते हो। और इवनिंग में तो वैसे भी नाइट जो कथा थींदी आहे कोशिश कयो जेस ताई थी सके तेस ताई लाभ उठायो। तव्हां सभिनि जा लख थोड़ा जो एतिरो प्रेम सां ॿुधो अथव जेकॾहिं का ॻाल्हि सुठी न लॻी हुजे पंहिंजो बचो सम्झी करे मूंखे क्षमा कजो। पंहिंजो हृदय सां मुंहिंजे लाइ प्रार्थना कजो त मां पंहिंजी सेवा ऐं साधना खे सुठे तरीक़े सां करे सघां ऐं गुरु ऐं गौरंग खे प्रसन्न करे सघां। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की श्रीला प्रभुपाद की जय। गौरा प्रेमनंदे हरे कृष्ण। दीपक प्रभु इको बना ले और थोड़े वॉल्यूम में दे देना। प्रसाद आप लोग बांटिए। हरे कृष्ण। पंज मिनट कीर्तन कंदा से प्रसाद विराए उन का पो दीपदान थी तो धन्यवाद देवी केशव माधव हे कृष्ण मधुसूदना